तू यहाँ सबका पोस्टमार्टम करके ले आई। ठेस बुद्धि पागल हो चुका है और डाल लो अपने मुंह में। साड़ियाँ खरीद लिया, पनीर टिक्का रोल खाना है मुझे तो। आज रेणु दिनों गुरुजनों एवं मेरे प्यारे अमित भैया, मैं आपके आगे एक बात कहना चाहती हूँ, उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करने की कृपा करें। हाँ जी, बात क्या मुद्दे पे? बात ये है कि आज बहुत तारीख हो गई है, तो इसलिए मेरा फेयरवेल है 10 तारीख का, तो आपको मुझे एक साड़ी दिलवा के लानी है। नहीं दिलवाऊं तो? तो आपका कंटेंट खतरे में चला जाएगा। देखिए वैसे इतना सच तो नहीं बोल रहा था, मुद्दे की बात ये कि इसका 10 तारीख का फेयरवेल है और आज कितनी डेट है? 6। आज 6 तारीख है, 4 दिन बचे हैं और फेयरवेल जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है, स्कूल वाला 12th क्लास को पास आउट, पता नहीं पास कर पाएगी कि नहीं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रहम आ गया, इसलिए मैं इसको एक साड़ी दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट साड़ी पहनना जानती थी? नहीं जानती तो सीख लूंगी। सीख ले, कोई दिक्कत नहीं। एक साड़ी हमारी साइलेंट गर्ल अनामिका जी को भी चाहिए, क्योंकि फेयरवेल तो इनका भी एक स्कूल में दोनों, और एक घड़ी भी चाहिए। हाँ, इसको एक घड़ी भी चाहिए। एक घड़ी तो ये दिलाया कर। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे विदेशी बाबू, हमारे विदेशी बाबू जो कि कल हमारे बीच नहीं रहेंगे, मेरा मतलब कि कल ये चला जाएगा यहाँ से। आज इसका हमारे साथ इंडिया में आखिरी दिन है, कल इसकी फ्लाइट है और ये यहाँ से चला जाएगा, उड़ जाएगा। आज हमारे विदेशी बाबूजी का फेयरवेल है। फिर मैं क्या करूंगी, हमारे अभी तो ये जा रहे, देखो जा जा बैठ के। अभी तो यार छोटू भैया, छोटू भैया, छोटू भैया नहीं अश्वनी, वैसे इसका नाम घर पे छोटू है क्योंकि ये मुझसे छोटे हैं इसलिए। और इसी के चक्कर में मेरे ब्लॉग ठीक से आ नहीं पाए इतने समय तक, 4-4 दिन का गैप हो रहा है, 5-5 दिन का गैप हो रहा है, क्योंकि मैं इसके साथ पूरे दिन इस अश्व की वजह से। कोई बात नहीं, अब ये कल चला जाएगा, जिसके बाद मेरे डेली ब्लॉग्स आएंगे, डेली डेली लॉन्ग ब्लॉग्स। ऐसे वादे होते रहते हैं, खराब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वादे मुझसे भी किए गए जो कि आज तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि मेरे वादे और सरकार के वादे ज्यादा अंतर नहीं है ज्यादा। एक कप चाय ले आई? एक कप क्यों, मैं एक कप, दो कप, तीन कप चाय ले आऊंगी। आप उसके साथ मुझे बताइए, नमकीन लेंगे कि बिस्किट लेंगे कि कुछ नहीं लेंगे? एक्चुअली ये सारी सेवा मेवा के लिए की जा रही है। और क्या, जैसे कि आप मुझे चाहिए यहाँ सैंडल चाहिए, पर्स चाहिए, साड़ी चाहिए, और अमित भैया का प्यार चाहिए। एक काम कर, चाय बिस्किट ले आ। ठीक है, आज कुछ नहीं कहूंगी। हैं? आज कुछ नहीं कहूंगी। साड़ी तो आपको भी चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तो इसका मतलब आप अपने हाथों से पकौड़े बना सकती हैं? पकौड़े नहीं, चाय होते बस। बोलने लगी। तीन मादा मोरनी नर की तलाश में भटकती हुई, प्यार में डूबा हुआ मर्द। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, अच्छी बात है, चाय ले, ये लीजिए विदेशी बाबूजी, आप चाय पिए। अच्छी कंडीशन में हेल्दी बिस्किट लाने की बोली थी, तू यहाँ सबका पोस्टमार्टम करके ले आई। वो गिर गए थे मेरे हाथ से, बड़े ही गिरे हुए बिस्किट हैं। चाय कैसी है? बिल्कुल ठंडी। टूटा हुआ पार्ले जी। शांति मेरी जिंदगी में होते हुए भी नहीं है, देख सकते कितना बढ़िया नजारा, एकदम सुंदर, लॉट्स ऑफ पीस हेयर, और ठेस बुद्धि इतने बढ़िया पीस को भंग करने आ गया है। राम राम, बैठ यहाँ पे पहले बैठ। आज मुझे तुझसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या? ये लो नीम के दातुन और डाल लो अपने मुंह में, दांत साफ हो जाएंगे। मम्मी है। तो दोस्तों, ठेस बुद्धि की एक बहुत ही तगड़ी बात पता चली मुझे अभी अभी। हंसो बेटा, हंसो, पूरी दुनिया को इस बात को बताऊंगा मैं अब। आ बेटा, तो बात कुछ ऐसे कि ठेस बुद्धि पागल हो चुका है, ठेस बुद्धि डेली नहाने लग गया है, ठेस बुद्धि डेली रनिंग पे जाने लग गया है, मैं नहीं मानता। एक दिन से, मतलब आज से, और ठेस बुद्धि बस एक चीज सुधारनी है कि अपने दांतों को साफ करने लग जाएगा, तो शायद ये कुछ कर पाऊंगा जिंदगी में, शायद नहीं कर पाएगा। चलो भैया, वैसे हम जहाँ कर रहे हैं, हम जा रहे हैं साड़ी लेने आपके लिए। दिमाग खराब है भैया? तुम्हारे लिए नहीं, मतलब राके नाम के लिए, उनका फेयरवेल है ना। फेयरवेल क्या होता है? जो आपके नसीब में नहीं है। क्यों? तो साड़ी लेने तो हम चल दिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ पर है। तो हाँ, लेकिन कहाँ जाना है? साड़ी की दुकान पे। ये दुकान कहाँ है? आगरा में। और आगरा कहाँ है? धरती पे। धरती पे यूपी में, ज्यादा मैं रहती हूँ आगरा। हेलो दोस्तों, साड़ियाँ खरीद लिया दो, एक इसके लिए, किसके लिए, मगर दुकान पे वीडियोस फोटोज लेना अलाउड ही नहीं था, उन्होंने हमें
कुछ वीडियोज ही नहीं बनाने थी, मगर साड़ी हमें पसंद आ गई थी, बड़ी बढ़िया थी, हमें नहीं मतलब इन दोनों को, तो खरीद ली है ना। आर यू हैप्पी नाउ? यस आई एम हैप्पी नाउ। भैया मैंने चोरी चुपके से बता दिया, कुछ वीडियो बना ली है। लेंदो मन दिखा भैया मेरी साड़ी, बाद में दिखा दी कहू है, अभी नहीं। जल्दी बताओ कौन सा रोल लेके आना है? कौन सा रोल खाना? पनीर टिक्का रोल खाना है मुझे तो। तुझे? हाँ कौन सा रोल? पनीर टिक्का रोल। वाह मैंने बता दिया इसलिए। कुछ और इसके अलावा? आइसक्रीम। आइसक्रीम वाओ, तीनों की सोच एक जैसी है। अगर लस्सी होती ना तो ज्यादा अच्छा होता। यस भैया ये लस्सी आगे ना, सारे लोग अपनी अपनी औकात में लस्सी वाली। मुझे पता था नहीं, मुझे दोनों लस्सी भी आइसक्रीम। लस्सी आइसक्रीम और रोल है, इनको चाहिए टिक्का रोल। एक काम कर, हाँ। रोल ले चल रहे, लस्सी कहीं और से लेते हैं, क्योंकि लस्सी ऐसी ठीक नहीं मिलती। लस्सी ना हल्दीराम वगैरह पर सही मिलती है, लोकल शॉप की यार लस्सी है, कहीं की अच्छी होती है कहीं की नहीं होती, तो भरोसा नहीं कर सकते। ओके भैया रोल तो मैं ले आया हूँ, अब लस्सी दिला दो जल्दी से। वैसे लस्सी का इंतजार कर लेता तो ठीक रहता भैया। वैसे आ तो गया, देखो आ गया लस्सी लेके आ गया। थैंक गॉड, मैं तो अब फार रही हूं भैया, मुझे बहुत तेज। आ गया बहुत जल्दी, नहीं ले आया? बोलो ठेस बुद्धि महाराज की जय, जल्दी से मेरा रोल दे दो भैया। थैंक यू सो मच। वो भी तो बैठा वगैरह खोल दियो। पिताजी को छोड़कर घर के सभी सदस्य शादी में गए हैं, और जैसा कि उनको मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं उनके लिए कुछ मोमोज ले आता हूँ। जानता हूँ साड़ी के अलावा कुछ और दिलाकर नहीं ला पाया। मौका चुना होगा फेरल दे, पहले पर्स और सैंडल आ जाने चाहिए, बस सैंडल इम्पोर्टेंट है। पर्स भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कल अश्वनी को छोड़ने जा रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट, कल लेकर आऊंगा। ऐसी गुस्सा है ये भाई साहब। शर्त लगा लो। शर्त मैं लगा सकता हूँ क्योंकि कल मैं अश्वनी को छोड़ने जाऊंगा एयरपोर्ट। छोड़ भी जाएंगे लेके नहीं आएंगे तो मौका बताओ बस। तुम्हारी मैं लेके आऊंगा ना ना ला रहे कहीं मांगा सम मांगा सम भाई मो पतोई कितनी बार कह गए अरे लेके आ सब कह गए सैंडल लेके आने है और कैसे लेके आने जो बताओ कैसे पैरों में पहनने वाले ब्रांड आते हैं तू बहुत ब्रांड जानती है ये कौन सा ब्रांड जानती है कौन सी ब्रांड का नाम है ब्रांड का नाम बता चल बाटा जानती हूं ब्रांड बाटा नाइज और एडिडास जानती हूँ। एडिडास के सैंडल आते हैं लड़कियों के जूते हाई हील्स। और वो जानती हूँ रेड टेप बुआ पुमा। वाह रे वाह, तू उधर क्या रहा अंदर आ। लखानी। लखानी की चप्पल दो तनी की, नीली वाली धोने वाली हिंदुस्तानी। अरे बड़ी खतरनाक चप्पल होती थी, इतनी भारी होती थी। मैंने भी पहनी है, पैरों में 40 से बच जाते। सीरी वाली अज्जा वजा उठा के मारते थे किसी हफ्ता बताओ। मम्मी दिला के लाती। और रूपानी। रूपानी रूपानी पैर की आती रूपानी ये बोल गई बोल गई। वाह मोए 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 ये बोलने लगी ये बोलने लगी बोलने लगी ये क्या हुआ लाइट चली गई इन्वर्टर वीक हो गया है मोए 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 मोए। चल से मेरे कमरे को ऊपर ठंड किया जाए। एक बात बताओ मैं टूटा हुआ तारा हूँ। तुम लोगों पर साड़ी पहनना तो आता ही नहीं। मुझे तो नहीं आता भाई। तुझे आता है? हाँ? तुझे नहीं आता, सीखना पड़ेगा। तुम लोगों को साड़ी पहनना सिखाएगा हमारा ठेस बुद्धि। हमारा ठेस बुद्धि साड़ी पहनने में बहुत ज्यादा माहिर है। ला मैं पहले दिखाऊं सीधी कितने उसने बता दो। आइए आइए सर इसे पहनानी है। किधर से दीदी भाई तू चल हटा ठेस बुद्धि को साड़ी पहना दे। आ जा। ओड़नी ओड़नी जिंदगी में आज तक साड़ी नहीं पहनी ठीक है मतलब पहनना चाहते हो। कैसे लेती है चल कैसे लेती है सीधे लग रहा है नहीं नहीं रुको मैं आ रही हूँ। दोस्तों ये पागल हो चुकी है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी साड़ी पहनना जानती है प्लस साड़ी है ये बहुत तेज भागती है भाग के दिखा जा भाग के नहीं
दोस्तों यहाँ पर साड़ी पहनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और ट्रेनिंग दे कौन रहा है, हमारी अनामिका बहन जी और हमारे प्रैक्टिकल के मेढक बने हैं ठेस बुद्धि। तो सीख ले गौर से। अरे तो कोई नहीं, यू आर जस्ट अ डमी। देखो भाई, लड़कों में लड़कियों में फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता ठेस बुद्धि, आप सिर्फ डमी बनी हुई हो। डमी क्या होता है? इन जैसे बेवकूफ लोगों में बुद्धि आ जाएगी आपकी वजह से। ये जब आपको साड़ी पहनाएंगी तो ये उल्टी चलने लग जा, ये जब आप जैसे लोगों को साड़ी पहनाएंगी तो ये ऐसे बुद्धिहीन लोग देख देख कर ही साड़ी पहनना शायद सीख जाए। अच्छा। कुछ भी कहो ठेस बुद्धि हमारा सुंदर बहुत लग रहा है। ठेस बुद्धि आज मुझे टंडन मौसी का दूसरा वर्जन नजर आ रहा है। वैसे ठेस बुद्धि आपको कैसा लग रहा साड़ी पहनकर? फ्री फ्री सा तो लग रहा है, देखिए। हाँ, 1 2 3 मीट माय औरत। वैसे हमारा ठेस बुद्धि किसी के भी घर में जाएगा उस घर को बर्बाद तो उस घर को बर्बाद तो अच्छे से कर देगा। और हाँ, किसी को ठेस बुद्धि जैसी लुगाई की जरूरत है तो मुझे संपर्क करें, 8282, नहीं ले तो काट दो। एक तुम्हारे विदेशी बाबू पुनिया को लेकर अपने हेयर कट कराने चले गए, पता नहीं क्यों इस समय पर, इतने बढ़िया समय पर। और ठीक ठाक बंदा अपने घर पर पढ़ा, पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहा है आज, कौन सी पढ़ाई। हमारे विदेशी बाबूजी आ चुके हैं, और व्हाट अ नाइस हेयर स्टाइल विदेशी बाबूजी। और ये मूंछें बिल्कुल भी घनी नहीं है, लेकिन फिर भी ताव दिए जा रहे हो। शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। क्यों, आज घर पे तो कोई है नहीं, पापा को छोड़कर मम्मी चाचा चाची और घर के और भी बड़े सदस्य सभी शादी में गए, मुझे छोड़कर और इन्हें छोड़कर। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने खाना बनाकर तैयार कर दिया। करूंगा ना खाना खाने का कार्य। मुझे पीनी एक चाय। तू भी एक चाय जी प्लीज। प्यार में डूबा हुआ मर्द, मुझे भी पीनी एक चाय। जा लेके आ, 2 कप चाय लेके आओ प्यार के साथ। चल जिंदगी में नहीं पी। वास्तव में देखो खुद को भी कमी नजर आई है, खुद को भी चीनी कम है। देखो अब चीनी ज्यादा डाल देती तो चीनी कम है, अदरक कम है। इलायची का तो ई तक नहीं है। इलायची तो चाय सही लग रही है, इसका मतलब तू ही खराब है। इसका मतलब मैं कम चीनी पी रहा हूँ, इसका मतलब तू खराब है भाई। चीनी के तो नाम ही नहीं हो रहा, चीनी की तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा इसमें यार। कम चीनी वाली चाय पीते हैं ऐसी लग रही है, ऐसा लग रहा है गरम पानी के अंदर चीनी चाय पत्ती से गोले दे दिए ले पी ले। तो इसका मतलब चीनी चाय पत्ती गोले दे दिए, मतलब सुन, चीनी सुन, सुन ले। ओ, ये मीठी है, चलो नहीं सुन, कम पता है मेरी बात सुन। गरम पानी में अदरक चाय पत्ती इलायची ये सब ना खोलानी पड़ती ढंग से, जब तक कि मसाला उनकी नस नस में से बाहर ना निकला है, तब उसके बाद कहीं जाके चीनी और दूध डाला जाता है। और चुप रहे, ऐसी बनती चाय बहुत टेस्टी वाली। ठीक है, रात के 10 बज रहे हैं और मैं मुझे जा रही है नींद। मैटर नहीं करता रात के कितने बज रहे, मैटर करता चाय अच्छी नहीं बनी। तूने आज नाक कटा दी मेरी, नाक कट रही है।